हेलो दोस्तों, आज हम विंडो 10 डाउनलोड करेंगे। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करता, हम सीधा क्रोम पर चलते हैं। उसके अलावा इसके लिए हमें एक USB की ज़रूरत पड़ेगी, जिस पर हमने ये बूट करवानी है। अगर आप वॉइस फाइल अपने हार्ड डिस्क में रखना चाहते हो वो भी रख सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप USB में करें। आप विंडो 10 डाउनलोड लिख दें, सर्च करें। USB में करने से आपको ये फायदा होगा कि आपको लादा से इसे बूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको बूट खुद करके देगा। क्रैक वर्जन होता है, ये शेमा या एक साथ चलता है। उसके बाद आपको दोबारा ये करनी पड़ेगी। तो अब माइक्रोसॉफ्ट की पहली वेबसाइट पर चले जाना है। मेरा नेट स्लो है इसलिए थोड़ी देर लगा रहा है। नीचे स्क्रॉल करें, ये डाउनलोड आ गया। डाउनलोड नाम पर क्लिक करें, फाइल डाउनलोड हो शुरू हो जाएगी 18 MB की। इसे ओपन कर लें। फाइल को ओपन कर सकते हैं। आपको थोड़ी की देर बाद एक नया विंडो शो होगी। अब कोशिश करेंगे अपनी USB 16 GB की लें, उसमें आप और भी चीज़ें चाहें तो करप्ट नहीं होती, बेहतर है। थोड़ी देर लेगा, उसके बाद आपको कुछ कंडीशन कहेगा, वो अपने अलाउ कर देनी है और आपको सिस्टम विंडो डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। मैं थोड़ी स्किप कर देता हूँ। स्टार्ट कर लेना है। ये आपने कंडीशन पढ़नी हो तब भी ठीक है, नहीं पढ़नी हो तो आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए, कोई मसला नहीं इसमें। तो थोड़ी ज्यादा भी और सेकेंड रुकना होगा हमें। आपने अपनी इसी विंडो को अपग्रेड करना है तो भी, अगर आपने नया फाइल यानी USB या iOS में यानी कि अपनी हार्ड डिस्क में स्टोर करनी है तब तब मैंने तो USB में कर दिया। इसलिए या तो वर्जन बताएगा जो आपने आपको PC का बिट है वो उस बिट को अलाउ करेगा। अगर नहीं आपने 32 के लिए नीचे चूज नीचे आप सिलेक्ट करें, इसे डिस्कार्ड करें। और फिर अगर आपने 32 करनी है तो सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आपने 64 बिट करनी है तो भी सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने तो 64 बिट करनी है इसलिए मैं 64 बिट पर रहने दूंगा। सो आप ये कह रहे हैं आपने अपनी USB को फॉरवर्ड करना है, नहीं मैंने तो किया हुआ है।
तो इसलिए मेरा हो गया, पहले से रिफ्रेश कर रहा है नो लाइब्रेरी। तो मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ, तो ये डाउनलोडिंग होनी शुरू हो गई है। आपके नेट पर होगा ये, आपके नेट की क्या स्पीड है? तकरीबन ये 15 से 20 मिनट में हो जाएगी, अगर आपका 2-3 MB नेट स्पीड है तो ये आपकी बूट होकर